जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है गवर्नमेंट। बोलिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, चिल्लाकर बोलिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किसकी होना चाहिए? प्रभु की। किसके कांधे पर होना चाहिए? प्रभु के कांधे पर होना चाहिए। किसी को समझ में आया मैंने क्या बोला? गवर्नमेंट किसके कांधे पर होना चाहिए? प्रभु के। पर मालूम है कुछ घरों की गवर्नमेंट आंटी के हाथ में है और कुछ घर की गवर्नमेंट अंकल के हाथों में है और कुछ घर की गवर्नमेंट नौजवान लड़के के हाथों में है, तो कुछ लोगों के घरों की गवर्नमेंट अपने घर की लड़की के कांधे पर रखी है। तो किसी घर में सासू माँ की गवर्नमेंट है, तो किसी के घर में ससुर साहब की गवर्नमेंट है, तो किसी के घर में बहू की गवर्नमेंट है, तो किसी के घर में दामाद की गवर्नमेंट है। पर बाइबल कहती है गवर्नमेंट प्रभु के कंधे पर। आमीन। गवर्नमेंट प्रभु के कंधे पर। आंटी की चलती रहेगी, अंकल की चलती रहेगी, मजा नहीं आएगा, पर जिस दिन प्रभु की गवर्नमेंट चालू हो जाएगी उस दिन सारे आनंद आना शुरू हो जाएंगे। हम इस संदेश को, आज के संदेश को एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहते हैं मेरे प्रियो। और कहानी ऐसी है कि एक व्यक्ति ने आगरा में एक बहुत आलीशान मकान बनाया, बहुत बड़ा मकान बनाया। और कोई तो बोलो मेरी कहानी है, मेरी कहानी। अरे जरा टल्ला मार कर अच्छे से बोल दो, मेरी कहानी है। हो सकता है किसी का बड़ा घर नहीं है तो बड़ा घर बनने वाला है, बोलो आमीन। और किसी का बड़ा घर है तो और बड़ा बनने वाला है, बोलो आमीन। आपका नया बना है पास्टर साहब एक और मिलने वाला है, बोलो आमीन। क्या बात है, अरे बजाओ तो जोर से बजाओ तो भाई। ओ हालेलुया। एक बड़ा घर बना और उसने उस बड़े घर के अंदर सारी आलीशान वस्तुएं लगाई, सब बाहर से बुलाया और अपने घर को सर्व सुविधा युक्त कर लिया और बहुत खुश था। और अचानक उसने एक दिन तय किया मेरे घर में गृह प्रवेश करने वाले हैं। और गृह प्रवेश उसने बड़ी भव्यता में किया, सारे आगरा वासियों को बुलाया, सबको दिखाया ऐसा घर किसी का नहीं है जैसा मेरा है। पड़ोसी को टल्ला मार के बोल दो मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। क्यों? मैंने बोला आप लोग अगर यीशु पर विश्वास करेंगे तो आपका भी एक दिन ऐसा घर होगा जैसा आगरा में किसी का नहीं। आमीन। विश्वास करने वाले आमीन बोलकर जोर से ताली बजा सकते हैं। आमीन। और घर में वो चला गया, दिन भर बहुत अच्छे से रहा। बोलो रात की 11 बजे, अरे तो पड़ोसी को बोल दो रात की 11 बजे। और जैसे ही कहानी यहीं से शुरू होती है इसलिए मैंने बोला, बोलो रात की 11 बजे। और जैसे ही 11 बजे दरवाजे पर खटखट खटखट, और ये भैया ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने शैतान था, अंदर घुसा और तबीयत से इसकी पिटाई करी, तबीयत से पिटाई करी और चला गया। इसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर अगला दिन हुआ, फिर दिन भर शांति से निकला, फिर रात हुई और कितनी बज गई? 11 बजे। अरे जरा जोर से बोल दो 11। और 11 बजी और क्या हुआ? घंटी बजी, फिर खटखट खटखट, और फिर इसने दरवाजा खोला, फिर शैतान अंदर आया और तबीयत से इसकी पिटाई करके गया। रोज यही सिलसिला चालू हो गया, दिन तो अच्छे से पर रात के 11 बजते और खटखट खटखट, और शैतान अंदर आता और तबीयत से बजा कर जाता। किसी ने बोला, बोलो किसी ने बोला, किसी ने बोला चर्च जाओ, जाओ प्रभु की शरण में जाओ, प्रभु की शरण में जाओ, यीशु की शरण में जाओ, यीशु की शरण में जाओ, आपकी समस्या का समाधान सिर्फ वहीं पर है। प्रेज द लॉर्ड। और वो चर्च जाना शुरू कर दिया। हो गया, एक रविवार गया थोड़ा अच्छा लगा, दो रविवार गया और अच्छा लगा, तीन रविवार गया और अच्छा लगा, चार रविवार गया और अच्छा लगा। अच्छा लगना ही था क्योंकि प्रभु का वचन है, अच्छा लगना ही था क्योंकि पास्टर लोग
नए आए हुए व्यक्ति को ऐसा रखते हैं जैसे छोटा बच्चा हो। भाई पास्टरों के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। पांचवे छठे रविवार में जाकर वो बोलने लगा, प्रभु आज तो तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा, आज तो तुझे मेरे घर चलना पड़ेगा। अरे बोल तो मेरी कहानी है, मेरी कहानी है। अभी आपको बताने वाला हूँ कब वो मारता है। पर कहानी बोलो किसकी है? मेरी। हम भी चर्च आते और बोलते प्रभु हमारे घर चलो। इसने भी बोला प्रभु हमारे घर चलो। और हमारा प्रभु क्या कहता है? दूसरा इतिहास सातवां अध्याय चौदवा पद, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन हो जाए, अपनी बुरी चाल से फिर जाए, मेरे दर्शन के खोजी हो जाए और मुझसे प्रार्थना करें, तो मैं स्वर्ग में भी उनकी प्रार्थना को सुनूंगा, उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। और प्रभु ने बोला, जब तूने बोला तेरे साथ चलता हूं, और प्रभु उसके साथ उसके घर चला गया। बोलो प्रभु मेरे घर भी साथ चला गया।